हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के हमारे यूट्यूब चैनल में। हम डिस्कस कर रहे थे नर्वस सिस्टम रिलेटेड, उसी पार्ट को कंटिन्यू करते हुए इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंट्राक्रीनल प्रेशर एंड सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर के बारे में, कि दोनों क्या होते हैं, दोनों किस प्रकार बनते हैं, साथ ही दोनों में क्या डिफ्रेंसिएशन होता है। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल में, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। इंट्राक्रीनल प्रेशर के बारे में पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद में हम सेरेब्रल परफ्यूजन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इंट्राक्रीनल प्रेशर की अगर सिंपल मीन्स की बात बताऊँ, तो इंट्राक्रीनल प्रेशर जो हमारे ब्रेन में जो हमारे जो क्रीनियम होता है, क्रीनियल केविटी के अंदर जो प्रेशर बनता है, उसे हम क्या बोलते हैं, इंट्रा क्रीनियल प्रेशर। सिंपल वर्ड से मीन्स भी यही निकलता है कि इंट्रा क्रीनियल प्रेशर क्या होता है। इंट्रा, इंट्रा मीन्स विद इन, कहाँ पे क्रीनियम में क्या बन रहा, प्रेशर बन रहा, उसे हम क्या बोलते हैं, इंट्रा क्रीनियल प्रेशर, जिसको जनरली हम ICP से इंडिकेट करते हैं। आई वर्ड फॉर द इंट्रा, सी वर्ड फॉर द क्रीनियम एंड पी वर्ड फॉर द प्रेशर। तो ICP इसका एक शॉर्ट एब्रीविएशन होता है किसका, इंट्रा क्रीनियल प्रेशर का। डेफिनेशन की हम बात करें तो द प्रेशर विद इन द क्रीनियो स्पाइनल कंपार्टमेंट, जो हमारा क्रीनियो स्पाइनल कंपार्टमेंट होता है या हमारे क्रीनियल केविटी होती है, उसमें जो प्रेशर बनता है, उसे हम क्या बोलते हैं, इंट्रा क्रीनियल प्रेशर। सिंपली आपको इतना याद रखना। अब इसके कंपोजिशन की बात करें कि किस प्रकार बनता है, क्या क्या इसके कंपोनेंट होते हैं, तो द कंपोजिशन ऑफ ICP आर नर्वस टिश्यू फर्स्ट वन, सेकेंड वन हमारा ब्लड एंड थर्ड वन होता है CSF कौन, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूड। तो तीनों मिलके क्या बनाते हैं, हमारा इंट्रा क्रीनियल प्रेशर। अब तीनों के अलग अलग रोल होते हैं, अलग अलग वॉल्यूम के साथ ही ये प्रेशर बनाते हैं। तो ओवरऑल अगर बात करें कि कितना वॉल्यूम होता है, वो वॉल्यूम प्रेशर क्रिएट करता है हमारी क्रीनियल कैविटी में, तो ओवरऑल वॉल्यूम होता है हमारा 1700 ml। अब इसमें से कितना नर्वस टिश्यूज़ का होगा, नर्वस टिश्यू में क्या क्या आएगा, हमारे न्यूरॉन्स जो कि प्राइमरी फंक्शनल सेल होती है, न्यूरोग्लिया जो कि हमारी सपोर्टिंग सेल होती है नर्वस सिस्टम की, तो वो दोनों मिलके कितना बनाएगी, देन ब्लड कितना बनाएगा, देन CSF कितना बनाएगा। तो पर्टिकुलरली हम तीनों को एक बार सेपरेटली भी देख लेते हैं साथ ही। तो नर्वस टिश्यू की बात करें तो नर्वस टिश्यू को वहाँ पे मेनली रोल होता है, क्योंकि एक ऑर्गन बना रहा, ब्रेन बना रहा, तो वहाँ पे सेल्स का ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगा, सेल्स ज़्यादा वहाँ पे कंपोनेंट में होगी। तो वो कितना बनाता है, अगर हम 1700 ml में से बात करें तो टोटल 1400 ml हमारे नर्वस टिश्यू बनाते हैं, 180 ml वॉल्यूम हमारे ब्लड के थ्रू बनता है, एंड CSF के थ्रू 120 ml पार्ट ऑफ द टोटल 1700 ml बनता है किसका, हमारे वॉल्यूम का, जो कि हमारे ICP क्रिएट करने में रोल प्ले करता है। तो टोटल वॉल्यूम हो गया हमारा 1700 ml। ये एक अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम है, अलग अलग बुक्स में आप वो सारे वेरीज देखेंगे ना, तो कन्फ्यूज नहीं होना, एक अप्रोक्सीमेट डाटा याद रखे आपको देखना किसी भी सिचुएशन को। तो यहाँ पे नॉर्मल अगर हम अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम की बात करें तो 1700 ml हो गया टोटल, उसमें से 1400 ml कौन हो गया नर्वस टिश्यूज़ का, जिसमें न्यूरोन न्यूरोग्लिया हो गई, एंड ब्लड 180 ml बनाता है, एंड 120 ml किस किस के थ्रू बनता है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूड के थ्रू बनता है। अगर मैं एक जैसे कि ये मैंने बना दिया यहाँ पे हमारा ब्रेन, ठीक है, और ब्रेन का ये अलग अलग पार्ट मैंने बना दिया, तो जैसे कि ये छोटा बन गया थोड़ा। अगर हम परसेंटेज की बात करें कि नर्वस टिश्यू कितना परसेंटेज रोल प्ले करते हैं, तो ये हमारे नर्वस टिश्यू हो गए जो कि 78% रोल प्ले करते हैं हमारे टोटल वॉल्यूम में, और अगर हम बात करें ब्लड की तो वो 12% रोल प्ले करता है, और 10% हमारा कौन रोल प्ले करता है, CSF। तो आप इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं ताकि कन्फ्यूजन नहीं हो। तो परसेंटेज में अगर बात करें तो 78% नर्वस टिश्यूज बनाते हैं, 12% हमारा ब्लड बनाता है, और रिमेनिंग जो 10% होता है वो हमारे सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूड के द्वारा बनता है किसका, हमारे वॉल्यूम का, जो कि हमारे इंट्रा क्रीनियल प्रेशर बनाता है। ये तो हो गई हमारी वॉल्यूम की बात कि कितना वॉल्यूम और किस प्रकार से हमारा प्रेशर बनता है। अब नॉर्मल प्रेशर होता कितना, अगर हम प्रेशर पढ़ रहे हैं तो एक अमाउंट की बात करें तो नॉर्मल प्रेशर कितना होता वो देख लेते हैं। तो हम एम एम ऑफ HG में बात करें नॉर्मली तो होता हमारा वो 5 to 15 mm of Hg, जो कि एक नॉर्मल रेंज है किसकी, इंट्रा क्रीनियल प्रेशर की, जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 5 to 15 mm of Hg। देखो मैं फिर से बता देता हूँ आपको, अलग अलग बुक्स में बहुत सारे डाटा अलग अलग होते हैं ना, वेरीज करते हैं, तो आपको एक अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम याद रखना, तो आपको 5 to 15 mm of Hg याद रखना। और अगर इसी को हम बात करें कि सेंटीमीटर ऑफ H2O में, देखो इसकी जो यूनिट है वो अलग अलग है, यहाँ पे mm of Hg में है तो 5 to 15 है, अगर हम सेंटीमीटर ऑफ H2O में बात करें तो ICP वहाँ पे कितना होगा, तो वहाँ पे होता है वो 6.8 to 20.440। इस प्रकार आपको याद रखना, अगर यूनिट की बात करें तो सेंटीमीटर H2O, तो नॉर्मल mm of Hg में होता था 5 to 15 mm of Hg, एंड सेंटीमीटर ऑफ H2O में होता 6.80 to
20.40। अगर आप कैलकुलेशन देखना चाहते हैं तो 1 mm of Hg इज इक्वल टू होता है 1.36 सेंटीमीटर ऑफ H2O। अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके सामने ये वॉल्यूम निकल के आएगा। तो आप मैथमेटिक्स क्लियर रखने के लिए आपको ना ये जो बेसिक्स लेवल होते हैं वो भी आपको याद रखना। इन सबको हम कवर करेंगे जब फंडामेंटल वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे। अभी हमारा MSN चल रहा है तो वही हम मेनली देख रहे हैं। तो MMOHG में तो हो गया 5 to 15 एंड सेंटीमीटर ऑफ H2O में हो गया 6.8 to 20.40। ये इसकी नॉर्मल वैल्यू की बात होगी इसकी इंट्राक्रीनियल प्रेशर की। अब जब हम डिजीज कंडीशंस पढ़ेंगे बहुत सारी डिजीज में ICP बढ़ता है। जैसे कि अगर नर्वस टिश्यू से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, नर्वस टिश्यूज मतलब न्यूरॉन से रिलेटेड हो गया, न्यूरोग्लियर सेल से रिलेटेड हो गया कि वहाँ पे एडिमा हो गया, वहाँ पे एक्स्ट्रा सेल ग्रोथ हो गई जिसे हम ट्यूमर बोन लेंगे, तो कुछ भी कंडीशन हो गया, या हम बात करें ब्लड से रिलेटेड कि वहाँ पे हेमेटोमा बन गया, हेड इंजरी हो गई तो उनकी वजह से वॉल्यूम बढ़ गया, नॉर्मल वॉल्यूम इतना इससे ज़्यादा बढ़ गया, उसके ज़्यादा बढ़ गया दैट मीन्स वॉल्यूम बढ़ा तो प्रेशर भी बढ़ेगा। तो वो प्रेशर बढ़ता है उसे हम क्या बोल देंगे, ICP बोलेंगे, जो कि हम डिजीज कंडीशन डिस्कस करेंगे। तो ICP के अगर नॉर्मली यहाँ पे कितना 15 हाईएस्ट रेंज है वो नॉर्मल 50 mm of Hg। अब 50 mm of Hg से अगर वो हाई हो गया तो उसे हम क्या बोल देंगे, इंक्रीज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर, जनरली क्या बोलते हैं, इंक्रीज्ड ICP। और वो किस किस की वजह से हो सकता है, वो तीनों जो इसके वॉल्यूम है वो डिपेंड करेंगे। देखो 1700 ml नॉर्मल, 1700 ml से ज़्यादा बढ़ेगा, या तो हो सकता है कि नर्वस टिश्यू इसकी वॉल्यूम बढ़ जाए, इसका वॉल्यूम कैसे बढ़ेगा कि कोई भी एक्स्ट्रा ट्यूमर ग्रोथ होगी, कोई एक्स्ट्रा सेल की ग्रोथ हो गई, ट्यूमर बन गया, या कोई एडिमा वगैरह हो गया, या किसी प्रकार का टिश्यू इंजरी हो गया वहाँ पे, ब्लड हेमेटोमा हो गया, या सी एस एफ या तो ज़्यादा बनना स्टार्ट हो गया, या सेकंड कंडीशन हो गई कि उसका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो कम हो गया, जितना बन रहा उतना एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, तो वहाँ पे एक्युमुलेट हो रहा, कलेक्ट हो रहा, उसकी वजह से वहाँ पे CSF की वॉल्यूम बढ़ रही है, और CSF की वॉल्यूम बढ़ रही है तो टोटल वॉल्यूम बढ़ेगी, और टोटल वॉल्यूम बढ़ेगी तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली प्रेशर बढ़ेगा जिसे हम क्या बोल देंगे, इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज हो गया। तो ये डिजीज कंडीशन से रिलेटेड भी आपको याद रखना। तो सिंपली अभी आपको इतना ही याद रखना है कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर होता क्या है, किस प्रकार बनता है, कौन कौन से कंपोजिशन होते हैं, साथ ही उनका कितना कितना रोल होता है। वॉल्यूम में बात करें तो इतना होता है, और परसेंटेज में बात करें तो मैं यहाँ पे एक बार मेंशन कर देता हूँ, तो वो इतना इतना होता है, ये आपको याद रखना। साथ ही नॉर्मल वॉल्यूम कितनी होती है वो भी आपको याद रखना। MMOHG में कितनी होती है नॉर्मल वैल्यू, तो 5 to 15 mm of Hg एंड 6.80 to 20.40 cm of H2O में नॉर्मल वैल्यू होती है हमारे इंट्राक्रेनियल प्रेशर की, ये आपको याद रखना। नेक्स्ट है हमारा सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर। देखो सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर क्या है, सेरेब्रल मतलब कि सेरेब्रम में, या हम बात करें ओवरऑल हमारे ब्रेन में परफ्यूजन के द्वारा जो प्रेशर बन रहा है। अब परफ्यूजन की वहाँ पे कितनी ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है, वहाँ पे कितना ब्लड सप्लाई हो रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं परफ्यूजन। तो एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं, नेट प्रेशर ऑफ द ब्लड फ्लो टू द ब्रेन, कि ब्लड ब्रेन में नेट फ्लो एग्जैक्टली कितना ब्लड वहाँ पे फ्लो हो रहा है उसे हम क्या बोल देंगे, सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर। अगर इसके एब्रिविएशन की बात करें तो CPP, सी वर्ड फॉर द सेरेब्रल, पी वर्ड फॉर द परफ्यूजन, एंड नेक्स्ट पी वर्ड फॉर द प्रेशर, तो CPP इसका एब्रिविएशन होता है, जैसे कि ICP इंट्राक्रेनियल प्रेशर को होता। तो क्या होता है हमारा सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर, नेट प्रेशर ऑफ द ब्लड फ्लो टू द ब्रेन, ब्रेन में एग्जैक्टली कितना ब्लड फ्लो हो रहा उसके थ्रू जो प्रेशर बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर। देखो अब यहाँ पे एक और टर्मिनोलॉजी आएगी, जब हम ओवरऑल हमारे एवरेज आर्टेरियल सिस्टम में ब्लड प्रेशर की बात करें, जो एवरेज ब्लड प्रेशर होता है जिसे हम मीन आर्टेरियल प्रेशर बोलते हैं, तो वो हमारे जो वाइटल्स ऑर्गन में कितना सफिशियंट अमाउंट ब्लड पहुँच रहा है या नहीं पहुँच रहा, तो वो उसे इंडिकेट किया जाता है, उसे हम नोट करते हैं कि मीन आर्टेरियल प्रेशर कम है दैट मीन्स प्रॉपर ब्लड सप्लाई वहाँ पर नहीं पहुँच रहे। तो मीन आर्टेरियल प्रेशर और सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर दोनों एक दूसरे के साथ कुछ कोरिलेट होते हैं, वो किस प्रकार होते हैं, ये हमारे ब्रेन का जो परफ्यूजन है वो दिखा रहा, और जो हमारा मेन आर्टेरियल प्रेशर होता है वो हमारे ओवरऑल बॉडी के जो भी ऑर्गन्स होते हैं या हमारा आर्टेरियल सिस्टम होता है उसका दिखाता। नाउ अब यहाँ पे ये दिखा रहा है, यहाँ पे अलग से क्यों बढ़ते हैं, क्योंकि ब्रेन में ऑलरेडी एक प्रेशर है जिसे हम क्या बोलते हैं, इंट्राक्रेनियल प्रेशर है। अगर हम डिफ्रेंशिएशन की बात करें तो यहीं पे वो आ रहा है कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर वहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है, कितना हमारा 5 to 15 mm of Hg, और जो हमारा मेन आर्टेरियल प्रेशर होता है हमारे ऑल ओवर बॉडी में सप्लाई करता है, जो कि नॉर्मली हमारा कितना होता है अप्रोक्सीमेट 93 mm of Hg इतना होता है। अब यहाँ पे 93 mm of Hg पूरा सप्लाई नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक प्रेशर है जिसे हम क्या बोल रहे हैं, ICP बोल रहे हैं। तो ICP जितना प्रेशर है उतना ब्लड वहाँ पे सप्लाई नहीं होगा, जो रिमेनिंग अगर हम बैलेंस की बात करें, जैसे कि यहाँ पे मैं
इसके एवरेज वैल्यू की बात करूँ तो 10 आ जाएगा, 10 mmHg हमारा क्या हो जाएगा, इंट्रा क्रेनियल प्रेशर, ठीक है। और अगर हम मीन आर्टेरियल प्रेशर की बात करें जो कि कितना होता है अप्रोक्सीमेट 93 mmHg, जो कि ओवरऑल हमारे आर्टेरियल सिस्टम में प्रेजेंट होता। अब वो ब्रेन में कितना प्रेजेंट होगा, ब्रेन में कितना प्रेजेंट होगा, ये तो प्रेजेंट नहीं होगा। क्यों नहीं प्रेजेंट होगा, क्योंकि ब्रेन में ऑलरेडी एक प्रेशर है। तो कितना है वो इससे माइनस हो जाएगा, माइनस होने के बाद में जो ब्लड में, जो ब्रेन में ब्लड फ्लो पहुंच रहा है उसका प्रेशर आ जाएगा। तो नॉर्मली जैसे 93 हमारा कौन सा हो गया, मेन आर्टेरियल प्रेशर हो गया, उसमें से हम क्या कर देंगे इंट्राक्रेनियल प्रेशर को माइनस कर देंगे, तो जो रिमेनिंग प्रेशर आएगा अगर हम माइनस करें 93 में से 10 को, तो कितना आएगा हमारे 83 mmHg। जो 83 रिमेनिंग वाला जो मेन आर्टेरियल प्रेशर वाला प्रेशर आ रहा है, मेन आर्टेरियल प्रेशर क्या है कि जो आर्टेरियल सिस्टम होता है या जो ब्लड फ्लो हमारे ऑर्गन्स में होता है उसे मेन आर्टेरियल प्रेशर बोलते हैं। तो कितना ब्लड फ्लो हो रहा है वो 83 mmHg, उसे ही हम क्या बोलेंगे सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर। सिंपल आपको फॉर्मूले से भी आप याद रख सकते हैं सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर को। ये क्या होता है कि जब मेन आर्टेरियल प्रेशर में से इंट्राक्रेनियल प्रेशर को हम माइनस कर देते हैं, जो रिमेनिंग हमारे पास में आता है उसे हम क्या बोलते हैं सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर। अगर फॉर्मूला वैल्यू और जो वॉल्यूम है वो रखे हम कैलकुलेट करें, तो जैसे मेन आर्टेरियल प्रेशर की नॉर्मल वैल्यू होती है, एवरेज वैल्यू की बात करें, देखिए ये रेंज है और ये एवरेज है, तो 10 मेन आर्टेरियल प्रेशर की वैल्यू होती है हमारे सामने 93 mmHg। देखो ये एक फिक्स वैल्यू बता रहा हूँ, इसका जो एवरेज होता है मीन आर्टेरियल प्रेशर का वो होता है हमारा 72/110 mmHg, है ना, ये एक एवरेज वैल्यू की बात कर रहे हैं। इसे माइनस करेंगे हम इंट्राक्रेनियल प्रेशर, जो कि हमारे सामने कितना एवरेज 10 mmHg, जो माइनस करने के बाद में हम कैलकुलेट करेंगे तो वो कितना आएगा हमारे पास 83 mmHg। ये 83 mmHg जो आ रहा है हमारे सामने वही हमारा क्या होगा CPP। समझ में आ गया CPP क्या होता है कि जो हमारा ब्लड फ्लो, अब कितना ब्लड फ्लो पहुंच रहा है हमारे पास 83, और ओवरऑल बॉडी सिस्टम की बात करें तो वहां पे कितना पहुंच रहा है 93, क्योंकि वहां पे कोई एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं है लेकिन ब्रेन में एक एक्स्ट्रा प्रेशर प्रेजेंट है जिसे हम क्या बोलते हैं इंट्राक्रेनियल प्रेशर। तो जितना प्रेशर है वो माइनस हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी प्रेशर पड़ रहा है, प्रेशर प्रेशर मिल गया आपस में, तो जितना प्रेशर है वो प्रेशर माइनस होगा। जो हाईएस्ट प्रेशर है, क्योंकि जो मेन आर्टेरियल प्रेशर है वो ज़्यादा है किसके कंपेरेटिव ICP के कंपेरेटिवली, तो जितना ICP है वो तो माइनस हो जाएगा और जो रिमेनिंग रहेगा उतना हमारे ब्लड फ्लो, हमारे जो नर्वस टिश्यू है, हमारे ब्रेन है, उसके पास पहुँच जाएगा। तो जो ब्लड फ्लो पहुँचता है नेट एग्जैक्टली कितना ब्लड फ्लो पहुँचता है एग्जैक्टली जो ब्लड सिस्टम होता है हमारा सेरेब्रल, अगर सिस्टम की बात करें सेरेब्रल सर्कुलेटरी सिस्टम जो कि हमारा नर्वस सिस्टम का ब्लड सिस्टम होता है, तो उसमें एक एवरेज कितना हमारा प्रेशर रहता है उसे हम क्या बोलते हैं सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर। जो कि वॉल्यूम की हम बात करें तो वो कितनी होती है 83 एवरेज होती है, और अगर इसकी हम रेंज की बात करें तो 60-100 mmHg हमारा नॉर्मल रेंज होता है किसका सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर का। तो सेरेब्रल प्रेशर परफ्यूजन और इंट्राक्रेनियल प्रेशर के बीच में आपको कन्फ्यूजन नहीं होता। इंट्राक्रेनियल प्रेशर एक अलग से प्रेशर है हमारे जो क्रेनियल कैविटी होती है उसमें जो वॉल्यूम बनती है अलग अलग कंपोनेंट के थ्रू, उसके थ्रू बनता है उसे हम बोलते हैं इंट्राक्रेनियल प्रेशर। और जो सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर होता है वो आर्टेरियल सिस्टम के थ्रू बनता है। अगर हम अदर बॉडी पार्ट्स की बात करें तो वहाँ पे मेन आर्टेरियल प्रेशर होता है वही हमारे बॉडी में ब्लड फ्लो पहुँचाता है, लेकिन यहाँ पे पहुँचाएगा कहाँ पे ब्रेन में, तो ब्रेन में एक ऑलरेडी प्रेशर प्रेजेंट है, उस प्रेशर के इक्वली उसमें माइनस हो जाएगा, तब उसका जो वॉल्यूम आएगा वो हमारा कौन सा हो जाएगा सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर। तो इनमें कन्फ्यूज नहीं होना ना।